आज हम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग देख रहे होते हुए वो कौन से अब इनकलाबी हमें कदम उठाने पड़ेंगे कि अपने मुल्क को इस दलदल से निकाले। ये जब से आए हैं तब से आप देख लें हर इकोनॉमिक इंडिकेटर नीचे जा रहा है। ये पाकिस्तान हम सब के हाथ से निकल जाएगा कि हम जा रहे हैं उधर जिधर श्रीलंका का मतलब ये कि लोगों ने सड़कों पर अब आ जाना है। वो ये जो रेलू कटे आए हुए हैं पीडीएम के ये नहीं कर सकते। ये है वक्त एक्शन लेने का। मुल्की मसाइल का वाहिद हल फौरी इंतखाबात। 13 जमातों के रेलू कटों से हुकूमत चल रही है ना मईशत। मुल्क श्रीलंका बनने के करीब है। मजबूत हुकूमत ही मुल्क को बहरानों से निकालेगी। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के नतायज इंतहाई खतरनाक होंगे। इमरान खान का खवातीन कन्वेंशन से खिताब। कहा बीएपी को पीपल्स पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। एमक्यूएम को मुत्तहदा और पंजाब में नून लीग को आगे लाने की कोशिशें हो रही हैं। हमारा किसी से इख्तिलाफ नहीं, इस्टेब्लिशमेंट से राबता बहाल करना चाहते हैं। फवाद चौधरी कहते हैं नई सियासी जमात बनने से पीटीआई को फर्क नहीं पड़ेगा। पंजाब में नंबर्स पूरे हैं, 11 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं। मौजूदा हुकूमत नाकाम हो चुकी है। हुक्मरान सऊदी अरब और चीन से उम्मीद लगाए बैठे हैं। महंगाई की शरह 31% तक पहुँच चुकी है। पंजाब असेंबली का हंगामी इजलास आज होगा। वजीर आला पंजाब का ऐवान से एतमाद का वोट लेने का मामला एजेंडे में शामिल नहीं। वजीर आजम की लीग की कारकुनान को तैयार रहने की हिदायत। कहा वजीर आला को एतमाद का वोट हर सूरत में लेना होगा। हॉर्स ट्रेडिंग की तैयारियां। पीटीआई के मुनरे पर कान से खुफिया राबते तेज करने की भी हिदायत। इलेक्शन कमीशन एमक्यूएम जमात इस्लामी और सिंध हुकूमत की दरख्वास्तों पर फैसला आज सुनाएगा। मुत्तहदा की दरख्वास्त मुलतवी किए जाने का इम्कान। कराची और हैदराबाद में 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात कराने की तैयारियां मुकम्मल। फुल प्रूफ सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात को जल्द मुकम्मल करने के अहकाम जारी। कराची की सियासत में हलचल। फारूक सत्तार और खालिद मकबूल ने एक दूसरे को गले लगा लिया। खालिद मकबूल ने कहा फारूक सत्तार के तजर्बे से फ़ायदा हासिल करेंगे। फारूक सत्तार बोले हम बहुत जुल्म और नाइंसाफी हुई, मर्दमशुमारी में हमें कम गिना गया। मुस्तफ़ा कमाल भी एमक्यूएम की कश्ती में सवार। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू के दौरान कहा पीपल्स पार्टी धांधली से कराची के मैंडेट पर कब्जा करना चाहती है। एमक्यूएम के ग्रुप्स को यकजा करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। तमाम ग्रुप्स में संजीदगी नजर आती है। ये साल इलेक्शन का है। इमरान खान वजीर आजम होंगे या असद उमर की पेशगोई। कन्वेंशन से खिताब में कहा कराची का मेयर तहरीक इंसाफ से होगा। सिंध में हमारी हुकूमत बनेगी। कराची में टैंकर और हाइड्रेंट माफिया का राज है। बलूचिस्तान से मजीद सियासी शख्सियत पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन गई। कराची बिलावल हाउस में सरदार फतेह मोहम्मद हसनी, नवाबजादा गजीन मरी और सरदार जमाल रईसानी के आसिफ जरदारी से मुलाकात। मुस्तकबिल में मिलकर साथ चलने का ऐलान। साबिक सदर ने कहा बलूचिस्तान के हुकूक पर समझौता नहीं करेंगे। मईशत डूब रही है, आइंदा हालात मजीद सख्त होंगे। हमाद अजहर कहते हैं पीडीएम के पास आईएमएफ की सख्त शराइत मानने के अलावा अब कोई ऑप्शन नहीं रहा। वक्त पर फैसले ना लेकर मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया। दो वक्त की रोटी के लिए पहली शहादत मीरपुर खास में हुई। अब महंगाई की जगह ठुकाई मार्च हो सकता है। शेख रशीद कहते हैं 76 रुकनी काबीना एक आटे का थैला नहीं दे सकी। 100 रोज में इलेक्शन शेड्यूल देना होगा वरना तबाही है। पूछना चाहता हूँ कि वो जो लंदन से आते वक्त आपने कहा था कि मैं डॉलर 200 ऊपर लाऊंगा, डार साहब डॉलर को फिर पर लग गए और आपकी कामयाब पॉलिसी की वजह से आपके केसेस तो खत्म हो गए लेकिन पाकिस्तान की करेंसी कागज का टुकड़ा बन गया। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ कराची और हैदराबाद में एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी सिराज उल हक ने कहा हुक्मरान एटम बम से ज्यादा खतरनाक हैं, फॉरेन करेंसी को पड़ लगे हैं, रुपया कागज का टुकड़ा बन गया। इसहाक तार कहते हैं डॉलर को 200 रुपए तक लाऊंगा, आपके केसेस खत्म हो गए, हमारी करेंसी गिर गई। सस्ते आटे का हुसूल मिशन इम्पॉसिबल बन गया। शहरी सड़कों पर निकल आए। सांगर में मिट्टी की रोटियां बनाकर एहतजाज किया। जैकबाबाद में आवाम ने गले में सूखी रोटियां डाल ली। सखर में आटा पॉइंट पर आवाम की लूटमार। हैदराबाद में आवाम ट्रक की राह देखते रहे।
नून लीग में अंदरूनी इख्तलाफात, रहनुमाओं का मिफ्ता इस्माइल की जबान बंदी करने का मशवरा, शो कॉज नोटिस जारी करने का मुतालबा, कहा मोहम्मद जुबैर को नवाज शरीफ और मरियम नवाज का तर्जुमान नहीं होना चाहिए। मीरपुर आजाद कश्मीर और गिरदोनवा में जलजले के झटके, शिद्दत 3.8 रिकॉर्ड, गहराई 10 किलोमीटर थी, मरकज मीरपुर आजाद कश्मीर था, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, शहरी कलमे तैयबा पढ़ते हुए घरों से बाहर निकल आए। हुकूमत की इंसदादे दहशत गर्दी पॉलिसी में झोल है, हमारे सिक्योरिटी अहलकार निशाने पर हैं, इमरान खान का ट्वीट, कहा एक तरफ जाली ऑडियोज और वीडियोज तैयार किया जा रहे हैं, दूसरी तरफ दहशतगर्दी में भी खतरनाक हद तक इजाफा हुआ, दहशतगर्दाना कार्रवाइयों और धमकियों की शदीद मजम्मत करते हैं। लेडी डॉक्टर को कत्ल किया गया या खुदकुशी, कराची सीवीयू से लापता डॉक्टर की लाश मिल गई, केस की गुत्थी सुलझने लगी, वेटरनरी डॉक्टर शान ने सारा से ताल्लुकात का एतराफ़ कर लिया, दो साल से क्लिनिक पर काम कर रही थी, डॉक्टर शान ने 1.5-2 लाख रुपए कर्ज देकर ब्लैकमेल किया, कई बार ज्यादती का निशाना बनाया, पहले भी खुदकुशी की कोशिश कर चुकी है। मुल्क में शदीद सर्दी का राज, हुंजा में रात से बर्फबारी जारी, हर शहर ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली, शाहरह कराकरम बंद, सवात मंगोरा मालम झब्बा कालाम बहरीन और मदीन में बर्फबारी, सयाहों का रश, गिलगित बल्तिस्तान मालाकंड शुमाली बलूचिस्तान में तहद निगाह बर्फ ही बर्फ, शुगरान नारान काहान के पहाड़ सफ़ेद हो गए, ज्यारत में हल्की बर्फबारी, कराची में यख पस्ता हवाएँ। अमेरिका में एक बार फिर बर्फानी तूफान का अलर्ट, कैलिफोर्निया समेत कई रियासती तूफान और सैलाब की जद में 2 करोड़ अफराद को खतरात लाहा, बरतानिया में भी सख्त सर्दी, सऊदी अरब में बर्फबारी का सिलसिला तेज, आइंदा हफ्ते भी बारिश जारी रहने की पेशगोई। और जेयर बोल्सोनारो को इंतखाबात में शिकस्त, ब्राजील में सूरतहाल कशीदा, हिमायतियों के दारुल हुकूमत ब्राजीलिया में डेरे, सुप्रीम कोर्ट में तोड़फोड़, अमेरिका यूरोपियन यूनियन की जानिब से मजम्मत। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड 3 एक रोज़ा मैचेस की सीरीज़ के पहले मैच में आज मद मुकाबल होंगे, कौमी टीम बाबर आजम की क़यादत में मैदान में उतरेगी, शान मसूद नायब की कप्तान हैं, मैच के टिकट्स की फरोख जारी, टिकट्स की कीमत 250 से 1500 रुपये मुकर्रर। बाकू में फिल्म की शूटिंग के दौरान भारतीय प्रोड्यूसर ने हरासा किया, पाकिस्तानी अदाकारा महरीन शाह का दावा, वीडियो पैगाम में कहा इंडियन प्रोड्यूसर की नासेबा हरकतों पर पाकिस्तानी डायरेक्टर एहसान जैदी मुकम्मल खामोश रहे, दो टोक इनकार पर मिर्जा इम्तियाजी सलूक बरता गया, खाना तक बंद कर दिया। सुल्तान राही जिंदा होते तो आज 85वीं सालगिरह मनाते, सुल्तान राही ने अपनी फिल्मी जिंदगी में 700 से जायद पंजाबी और उर्दू फिल्मों में काम किया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की किताब में भी इनका नाम दर्ज है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।